अयोध्या की पावन धरती पे एक भव्य राम मंदिर अपना स्वरूप ले रहा है और उसके वजह से पूरे अयोध्या का विकास हो रहा है। सड़कों का यहाँ पे जो अभी वर्तमान समय में कंडीशन है वो इंटरनेशनल पैरामीटर को फुलफिल करते हुए सड़क बनाई जा रही है। यहाँ का जितना भी तार है वो अंडरग्राउंड किया जा चुका है और ये मंदिर के वजह से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है। बस टर्मिनल इतना बढ़िया बना है कि बिहार का एयरपोर्ट उसके सामने फेल है। यहाँ पे अस्पतालों की स्थिति जो है इस क्षेत्र में जो है बहुत अच्छा है और रेलवे स्टेशन को इतने अच्छे ढंग से आधुनिक किया गया है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये वही रास्ता है जिस रास्ते से भक्तगण आएंगे और रामलला का दर्शन करेंगे, यानी ये वो कॉरिडोर है। और यहाँ पे दिन और रात एकदम काम चल रहा है और पूरे स्पीड से काम चल रहा है ताकि जो है 22 तारीख को जो 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिस दिन जो है प्राण प्रतिष्ठा होगा और उस दिन से जो है भक्तगण रामलला का दर्शन जो है वो टेंट में या किसी टेम्पररी स्ट्रक्चर पे नहीं करके जो है वो भव्य मंदिर में करेंगे। और मंदिर जो है वो सामने है, यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। जगह जगह पे चेक पोस्ट बनाया जा रहा है और हर जगह अयोध्या में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। कमाल की बात यह है कि यूपी को आप लोगों ने जाना होगा, देखा होगा, जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं हर जगह हर जिला में एनकाउंटर खूब हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अभी तक योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कभी यहाँ पे एनकाउंटर नहीं हुआ। हालांकि कर सेवकों पे गोली यहाँ पे जरूर चलाई गई थी और जिन लोगों ने चलाई उनकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। भव्य मंदिर अपना स्वरूप ले रहा है और मंदिर के बगल में जो स्ट्रक्चरें बन रही है वो भी अपना स्वरूप ले रहा है। दीवाले बनाई गई है और दीवालों पे जो है कमाल का कलाकृति की गई है। और कमाल की बात यह है कि मैं फिर से उन लोगों को बता देना चाहता हूं जो बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं कि मंदिर से कैसे विकास होगा, तो वो आके देखे कि यहाँ की सड़कों की कंडीशन क्या है। आपको किसने रोका था? आप अयोध्या में जो तारों का जाल फैला हुआ था उसको अंडरग्राउंड कर सकते थे, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया गया। आज अयोध्या से वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेनें चल रही है, 1000 ट्रेनों को चलाना ये अपने आप में जो है एक आश्चर्यचकित करने वाली बातें हैं। और ये शहर का विकास जो है वो वेटिकन सिटी से भी ज्यादा आधुनिक तरीके से किया जा रहा है इस शहर का। और जो लोग कहते हैं बिहार के नेता कि आखिर अयोध्या से क्या फायदा होगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए यहाँ के सड़कों का कंडीशन कितना बढ़िया है, कितना मजबूत है ये सड़क। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब यहाँ पे हम आके और सिविल इंजीनियरिंग टर्म में जब रिबाउंड हम टेस्ट करेंगे तो ये सड़क का स्ट्रेंथ जो है वो डिजाइन से ज्यादा आएगा। और बिहार में इतना स्ट्रेंथ वाला कोई तो सड़क नहीं ही बना है। बिहार में आप देख सकते हैं कि अक्सर नाला गड़बड़ बना दिया जाता है जिसके वजह से नाला का पानी सड़क पे आ जाता है और उसके वजह से सड़क टूट जाता है, फिर से टेंडर किया जाता है, फिर से बनाया जाता है। और यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करके हर चीज बनाया जा रहा है और दिन और रात लगातार यहाँ पे काम चल रहा है। हालांकि हम लोग उतना सौभाग्यशाली नहीं है जो हमें यहाँ पे मौका मिले, हम लोग भी यहाँ पे कुछ काम कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है सौभाग्यशाली हैं और वो लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। वो लोग मजदूर नहीं है, राम के सेवक हैं और राम के मंदिर के निर्माण कार्य में वो लोग लगे हुए। राम जब 14 साल वनवास काट के आए तो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए, वैसे ही 550 सालों तक अयोध्या में रामलला को टेंट में और टेम्पररी स्ट्रक्चर में रहना पड़ा। पहले यहाँ पे राम मंदिर हुआ करता था लेकिन वो 550 सालों का कष्ट के बाद जो है यहाँ पे अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अद्भुत भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हालांकि जो 22 तारीख को जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ 30% काम करके उद्घाटन किया जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रभु श्री राम अब ज्यादा दिन तक टेम्पररी स्ट्रक्चर में ना रहें, इसलिए जो एक फ्लोर है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है और वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को न्योता नहीं मिला है जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन वो लोग दुखी नहीं है। कुछ लोगों को न्योता दिया गया
और वो लोग दुखी हो गए कि हमें क्यों न्योता दिया गया, हम नहीं आना चाहते हैं, हम यहाँ पे जो है। तो देखिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और सिर्फ राम का मतलब ये मत समझिए कि हम एक भगवान को बोल रहे हैं, राम का मतलब ये हुआ कि हम आपके विश्वास को बोल रहे हैं, हम आपके जो है भरोसा को बोल रहे हैं। आप आस्तिक अगर व्यक्ति हैं तो हम बोल रहे हैं, तो आस्तिक लोगों को जो है राम पे भरोसा है। और एक और कमाल की बात है कि दुनिया का पहला ऐसा शहर अयोध्या और दुनिया का पहला ऐसा मंदिर, भव्य मंदिर, राम मंदिर है, जिसमें सरकार का एक भी रुपया नहीं लग रहा है। यहाँ पे सरकार का एक भी रुपया नहीं लग रहा है। बाकी इस प्रकार का मंदिर, इस प्रकार का पर्यटक स्थल दुनिया के किसी भी कोने में बना है तो वहां पे सरकार का इन्वेस्टमेंट के वजह से बना है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक के पैसे से, पब्लिक जो डोनेट कर रहे हैं, खुशी खुशी डोनेट कर रहे हैं, उनके पैसे से जो है ये भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये रोड की चौड़ाई जो है यहाँ पे, वो रोड की चौड़ाई लगभग 100 फीट है, यानी भविष्य में किसी भी प्रकार का श्रद्धालु अगर आएंगे तो उन्हें कष्ट ना हो। और देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस पे जो है कुछ साल पहले तक तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो काम नहीं करती है, भैंस ढूंढती थी उत्तर प्रदेश पुलिस, भैंस लेने दीजिए, भैंस ढूंढती थी। आज उत्तर प्रदेश पुलिस जहां पे खड़ी हो जाती है, अपराधी जो है वहां से भाग जाते हैं, अपराधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना शुरू कर दिए हैं। तो ये कहीं नहीं तो कहीं सरकारें जब बदल जाती है और सरकारों का नियत जो है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला हो जाता है और स्टेट का डेवलपमेंट के लिए हो जाता है, तो यही पुलिस जो है कमाल का काम करती है। हम लोग फैन हैं उनका, एकदम एकदम आइए आइए। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप तो काम कर रहे हैं ना। हाँ चलिए ठीक है, काम कीजिए आप लोग, और आप लोगों को सौभाग्य मिला। नमस्कार भैया, निकलते भैया, मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैं यहाँ पे काम कर सकूँ। चलिए ठीक है, अभी कितना टाइम हो गया? ये सब आप ही लोग का देनी है, आप ही लोग का देनी है, मोदी साहब का, योगी साहब का। वो राम लक्ष्मण ये धरती पर बन के आ गए, तब वे हमने कही जाए के सहयोग मिलन करे। इधर सुनिए, फोटो ठीक है, काम कीजिए आप लोग और अच्छे से काम कीजिए और इतना मजबूत बनाइए, सेल्फी ले, सेल्फी ले, सेल्फी ले। 60 सालों तक जो है मंदिर को कुछ, चलिए ठीक है, और साथ ही साथ मैं सरकारों से विनती करूंगा कि जो मजदूर है उनका ख्याल रखा जाए और कम से कम उनका हर एक मजदूरों का इंश्योरेंस किया जाए। बाकी आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। गुटका है तो कहाँ थूकोगे तुम बताओ? नहीं, पेट में जाएगा। तो घुट जाओगे? हाँ। तो अगर तुम मुझे चाहते हो तो गुटका छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दोगे ना? चलो ठीक है, छोड़ देना गुटका। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। बोलिए भैया, मैं दिन में रिपोर्टिंग अब ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब सुनिए आप लोग समझिए, जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ उस बीच में जो है लोग डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, चीजों को समझ लीजिए लोग। जब मैं चुपो ना, वीडियो बना, वीडियो ठीक है, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उसके बीच में लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, हालांकि जो प्यार करते हैं वही मेरे साथ फोटो खिंचवाने आते हैं, लेकिन जब आप लोग रिपोर्टिंग करने दीजिएगा तब ना हम कर पाएंगे। हम 11:30 बजे आए हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करने और वीडियो बना रहे, उसके बीच में लोग जो है मोबाइल गुजार रहा है। मेरे पास तो कोई स्क्रिप्ट है नहीं सर, नहीं है कोई, उभरते हुए मुख्यमंत्री भैया, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता, कान में कोई ईयरफोन नहीं रहता है कि स्टूडियो से कोई बोल रहा है, सुनिए, मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रहा होता और उस बीच में कभी कभी मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो इरिटेट हो जाता हूँ, कभी कभी परेशान हो जाता हूँ, कभी कभी बिहार में आपका सेट होगा। तो मैं विनती करना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तो कम से कम मेरे से 10 मीटर की दूरी बना के रखिए, और जब वीडियो मेरा खत्म हो जाए तो आप जो है जितना भर भर के प्यार देना चाहते हैं दीजिए, मैं भी भर भर के प्यार दूंगा। जय श्री राम, तब मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर पाऊंगा। देखिए अभी डिस्टर्ब आ गए, तब मैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर पाऊंगा, वरना मनीष कश्यप को स्टूडियो
में बैठ के रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करूं, तो रिपोर्टिंग के दौरान डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ, रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगा, जितना देर रिपोर्टिंग करूंगा उससे ज्यादा देर मैं आप लोगों के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन रिपोर्टिंग के दौरान नो डिस्टर्बेंस। लेट में आए इसीलिए लेट आए कि दिन में तो मैं अब रिपोर्टिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ। कल रात रिपोर्टिंग ये आपको बहुत चाहता है, इसको फोटो खींचना इसके साथ खत्म हो गया, आप खींच लो एक फोटो। हाँ